हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.11 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है कि देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी। इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट टू फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एग्जामिनेशन रूम है ए एंड बी। अगर 10 कैंडिडेट को सेंड कर दिया जाता है ए रूम से बी रूम में, तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाते हैं। इफ 20 कैंडिडेट्स, देखिए फिर 20 कैंडिडेट्स अगर सेंड कर देते हैं बी रूम से ए रूम में, तो ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है डबल हो जाते हैं बी के। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, दोनों रूम में स्टूडेंट कितने कितने हैं वो हमें बताने। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल टू में एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इक्वल टू में वाई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ए रूम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये बी रूम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि 10 कैंडिडेट सेंड कर दिए जाते हैं ए रूम से बी रूम में, तो इसमें 10 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे और इसमें 10 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। तो तब क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। चलिए इसको इधर लाते हैं, तो एक्स माइनस वाई ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये ए के हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी के हैं। क्या कह रहा है कि 20 स्टूडेंट्स चले जाते हैं बी रूम से ए रूम में, तो इसमें 20 ऐड हो जाएंगे और इसमें 20 सेपरेट हो जाएंगे। तो जो ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अब ये इस बी वाले से डबल हो जाते हैं। एक्स प्लस 20 और इधर हो जाएगा आपका 2y-40। ठीक है, चलिए अब इस 2y को इधर लेते हैं, इस 20 को उधर लेते हैं, तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू में जाकर उधर माइनस का 60 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 20, यहाँ है एक्स माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 60। ठीक है, ध्यान से देखिए माइनस प्लस प्लस ये यहाँ कट जाएगा, y आ जाएगा और इधर 80 हो जाएगा। तो अब पुट कर देते हैं y के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस y इक्वल टू में 20 है ना जी, तो x y के जगह पे यहाँ पे 80 रख देंगे और ये उधर जाके प्लस कर जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल टू में 100 एक्स का वैल्यू एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इक्वल टू में 80। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अच्छा, हाफ टिकट का कॉस्ट क्या है, फुल फेयर का हाफ है, जितना फुल फेयर का चार्ज है उसका हाफ है। एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट, यानी कि जो फुल टिकट पे रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है वही हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 260 रुपये। अच्छा, रिजर्वेशन के लिए रिजर्व टिकट जो हो रहा है फर्स्ट क्लास का 260 रुपीज लग रहा है मुंबई टू अहमदाबाद का, यानी कि इसमें टिकट का कॉस्ट और रिजर्वेशन दोनों शामिल है। एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327 रुपीज। वाट इज द
बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक रेलवे का जो हाफ टिकट है, जो 5 ईयर से कम एज के 6 ईयर से कम एज के बच्चों को लगता है, चिल्ड्रेन को लगता है, वह हाफ है फुल फेयर के, एंड रिजर्वेशन चार्ज दोनों पे सेम है, हाफ टिकट पे भी और फुल टिकट पे। तो एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट मुंबई से अहमदाबाद के लिए उसका कॉस्ट है 216 रुपीज। वही और फिर आगे कह रहा है कि एक फुल एंड हाफ, दो टिकट है, एक फुल और एक हाफ, दोनों रिजर्व क्लास फर्स्ट क्लास टिकट है, उसका 327 रुपीज है। वही पूछ रहा है कि बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर चार्ज कितना है और रिजर्वेशन का चार्ज कितना है। तो हम ले लेते हैं लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर चार्ज इक्वल टू में एक्स रुपीज ले लेते हैं, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इक्वल टू में वाई रुपीज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए वन क्या कह रहा है, रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। अच्छा तो फर्स्ट क्लास टिकट जब बुक होता है वन रिजर्व, तो एक्स रुपीज तो उसका टिकट का फेयर का चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज टोटल में आकर 216 हो जा रहा है। नाउ वन हाफ एंड वन फुल, देख रहे ना आगे क्या कह रहा है, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327। तो फुल टिकट के लिए यही x प्लस वाई लग जाएगा और हाफ टिकट के लिए x बाई टू, फेयर चार्ज आधा हो रहा है ना जी, हाफ टिकट का जो कॉस्ट है फुल फेयर का हाफ है, तो फुल फेयर का यहाँ पे देखो एक्स रुपीज है तो x बाई टू और रिजर्वेशन चार्ज इसमें लगेगा ही, टोटल 327। तो इसको और इसको सबको ऐड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं एलसीएम लेंगे क्या, एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस टू वाई इक्वल टू में 327। ठीक है अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस एक्स प्लस का 4y इक्वल टू में 327, यानी कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू में ये टू जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा 415 और यहाँ पर 654 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम लोग 1 से कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 3y और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 648 और यह है आपका 3x प्लस का 4y, इधर है आपका सॉरी ये प्लस का ही ना है, कितना है जी 654। साइन चेंज करते हैं, ये यहाँ कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई और इधर कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस हटा देते हैं, y का वैल्यू क्या गया 6। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है 216 है, तो x का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 6। अब इसको ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू में आ जाएगा 210। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the basic full fare charge equal to 210 rupees and reservation charge equal to 6 rupees। समझ गए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। ए विजार्ड हैविंग पावर्स ऑफ मैजिक इन कंडीशंस एंड मैजिकल मेडिसिन, सीइंग ए कुक फाइट गोइंग ऑन स्पीक प्राइवेटली टू बोथ ऑफ द ऑनर ऑफ द कुक। क्या कह रहा है आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे।
एक जादूगर है, उसके पास पावर है जादू टोना वाला, और फिर उसके बाद उसके पास जादुई औषधियों का भी उसके पास शक्ति है, पावर है। तो वो देखता है क्या चीज़, मुर्गियों का लड़ाई देखता है, फाइट देखता है। और वह क्या करता है, वो दो ऑनर हैं मुर्गियों के, दो मुर्गियां हैं आपस में लड़ रही हैं, तो उनके दोनों ऑनर के पास जाता है एक एक करके, और क्या कहता है ये देखिए। टू वन ही सेड, अच्छा वो एक से क्या कहता है कि इफ योर बर्ड विन, अगर तुम्हारी ये मुर्गी चिड़िया जीत जाती है, देन यू गिव मी योर स्टॉक मनी, तब तुम्हारे पास जो मनी है वो तो तुम वो मुझे दोगे, ठीक है। बट इफ यू डू नॉट विन, आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, तो तुम्हारा जितना मनी है उसका मैं 2/3 दूंगा। गोइंग टू द अदर ही प्रोमिस इन सेम वेज, उसको भी इसी तरीके से क्या कहता है, टू गिव 3/4, और मैं तुम्हें 3/4 दे दूंगा। फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन, क्या दोनों से कितना गेन करता है, वह ओनली 12 गोल्ड कॉइन, उनसे वो 12 गोल्ड कॉइन गेन करता है। फाइंड द स्टॉक ऑफ मनी ईच ऑफ द कॉर्क ऑनर है, यानी कि दोनों जो मुर्गियों के जो ऑनर है उनके पास कितना कितना मनी स्टॉक है ये आपको बताना है। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि लेट द स्टॉक मनी फर्स्ट फर्स्ट कॉक ऑनर ऑनर हैव एक्स एंड सेकेंड कॉक ऑनर हैव y रुपीज, ठीक है। y है कॉइन है ना, कॉइन में इसके पास, तो ये x ले लेते हैं और यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है। इसके पास x गोल्ड कॉइन है, इस पे y गोल्ड कॉइन है, और जो जादूगर है वो 12 कॉइन इन दोनों से जीतता है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जादूगर 12 कॉइन जीत जाता है, दोनों से 12 कॉइन जीतता है। बोथ ऑफ देम ही गेन, फ्रॉम बोथ देम इन ही गेन क्या करे, उड बी ओनली 12 कॉइन, तो 12 कॉइन जीतता है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, पहले ऑनर के पास एक्स रुपीज है, और वह मान लो पहले वाला जो ऑनर है मुर्गी का वह जीत जाता है, तो वह क्या करेगा, वह क्या करेगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ योर बर्ड विन दैट यू गिव मी योर स्टॉक मनी, तो तुम अपना स्टॉक मनी मुझे दे दोगे, ठीक है। तो वो अगर मान लो स्टॉक मनी ये 100 रुपीज था, वो इसको दे दिया, तो पहले वाला जीत गया तो उसको स्टॉक मनी 100 रुपीज मिल गया, जो फर्स्ट वाले के पास था वो 100 रुपीज उससे ले लिया। तो पहला वाला जीता तो दूसरा वाला हार गया, और दूसरे वाला हारेगा तो उसको ये क्या कर रहा है, 3/4 दे देगा, 3/4 दे देगा जितना दूसरे वाले के पास स्टॉक है उसका, यानी कि 3/4y अमाउंट दे देगा। तो अब इसके पास कितना स्टॉक बच जाएगा, टोटल 12 पॉइंट बच रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसे आप चाहो तो एक एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम हो जाएगा 4x माइनस का 3y इक्वल टू में 12, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 4x माइनस का 3y इक्वल टू में 48, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है नाउ। अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या कहता है, फिर मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड वाला ऑनर है ये जीत जाता है, तो ये उससे क्या कह रहा है कि तुम अपना वाई रुपीस दे दोगे, और वह फर्स्ट वाले ऑनर को कितना कितना उसको देना पड़ेगा, जब वो जब सेकेंड वाला ऑनर जीत रहा है विन कर रहा है तो फर्स्ट वाला हारेगा, और फर्स्ट वाला हारेगा तो उसे वह कितना देगा। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है जी, 2/3, 2/3 यानी कि 2/3x इक्वल टू मै 12,
चलिए अब इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर थ्री वाई माइनस का टू एक्स इक्वल टू में 12, यानी हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 36। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या है, 4x माइनस का 3y इक्वल टू में 48 और माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 36। ये यहाँ से कट जाएगा, 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा कितना, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 यहाँ 84, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा 42। अब इसके बाद लिख देते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड कर दें, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 36, माइनस का 2x के जगह पे 42 और प्लस का 3y इक्वल टू में 36। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, माइनस का 84 और प्लस का 3y इक्वल टू में 36, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, 3y इक्वल टू में 36 प्लस का 84, यानी यहाँ से 3y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 120, ये जाएगा डिवाइड में तो 40। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि देयरफॉर स्टॉक मनी फर्स्ट कॉक ऑनर हैज 42 गोल्ड क्वाइन एंड द स्टॉक मनी सेकेंड कॉक ऑनर हैज 40 गोल्ड क्वाइंस। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड टू रो मोर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए यहाँ पर रो में स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, खड़ा कराया जाता है, स्टैंड कराया जाता है, ठीक है, रो में, ठीक है, ऐसे कुछ रो बने हुए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि थ्री स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन रो, एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर देते हैं तो जितने रो है उसमें से एक रो लेस हो जाता है, क्योंकि थ्री इसमें एक रो कम हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट हम लोग इसमें एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट लेस, अगर हम लोग 3 स्टूडेंट लेस कर देते हैं हर एक रो में से, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 रो एक्स्ट्रा हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स, नंबर ऑफ रो क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, वाई ले लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास भी कर सकते हैं या इन द क्लास क्या हो जाएगा, तो एक रो में वाई स्टूडेंट है और टोटल एक्स रो है, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ए रो, तो एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, वाई स्टूडेंट है,
उसमें थ्री स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं तो नंबर ऑफ रॉ एक कम हो जाता है, तो एक्स रॉ है तो एक रॉ कम हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये नंबर ऑफ रॉ हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस का थ्री एक्स माइनस का वाई माइनस थ्री इक्वल टू में एक्स वाई, यहाँ से ये कट जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू में थ्री, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नाउ क्या कह रहा है कि इफ थ्री स्टूडेंट्स लेस इन ए रॉ, एक रॉ में थ्री स्टूडेंट को लेस कर देते हैं तो टू मोर रॉ और बन जा रहा है, तो थ्री स्टूडेंट लेस कर देते हैं हर एक रॉ में से तो दो और रॉ एक्स्ट्रा बन जा रहा है, तो इक्वल टू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक्स वाई माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू वाई माइनस सिक्स इक्वल टू में एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई हट जाएगा, माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू वाई इक्वल टू में सिक्स हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 और यह है माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 6, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पे 9। अब y के वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, 3x माइनस वाई का वैल्यू 9 इक्वल टू में 3, ये जाके उधर ऐड होगा तो 3x इक्वल टू में 12, ये जाएगा डिवाइड में तो 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही ना निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या हो जाएगा, x इंटू वाई था यानी कि हो जाएगा 4 इंटू में 9, 36 स्टूडेंट है क्लास में, समझ गए। नंबर देखते हैं 22, क्या कह रहा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, अब एक अपने दोस्त से कहता है कि आप मुझे 100 रुपीज दो, आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच यू, यानी कि मैं तुम्हारे जितने पास पैसा है उससे मैं दो गुना हो जाऊंगा। विदा क्या कह रहा है कि द अदर रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज देते हो तो क्या कह रहा है, I sell 6 times as rich of you, यानी कि मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। देन फिर क्या कह रहा है, टेल मी वाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, उनके पास कितने कितने अमाउंट थे ये हमें बताने, तो ऐसा ले लेते हैं, लेट द वन फ्रेंड हैज कैपिटल अमाउंट जो है वो हम x ले लेते हैं, एंड अदर फ्रेंड हैज कैपिटल अमाउंट y रुपीज, इसको x रुपीज है इसके पास और इसके पास y रुपीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है, क्या कह रहा है, ये एक्स रुपीज ये वाई रुपीज, ये फर्स्ट फ्रेंड के पास ये सेकंड फ्रेंड, तो फर्स्ट वाला फ्रेंड सेकंड वाले से कहता है कि गिव मी 100, ये इसको 100 रुपीज दे देता है, इसके पास 100 कम हो गए तो ये इससे ट्वाइस हो जा रहा है, तो एक्स प्लस 100 इक्वल टू में 2y माइनस का 200, इसको इधर ले आते हैं x माइनस 2y और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर देखिए फिर क्या हो रहा है कि सेकंड वाला फ्रेंड फर्स्ट वाले से कहता है, इसके पास y अमाउंट है इसके पास x अमाउंट है, ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दो तो ये इसे 10 रुपीज दे देता है, तो कह रहा है कि मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 6 थोड़ा बाहर लिख लेते हैं, तो 6x माइनस का 60 इक्वल टू में y प्लस का 10, इसको इधर 6x माइनस y ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा 70, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 1 से। अब देखिए इसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 300, माइनस का 300, और यहाँ हो जाएगा आपका 12x माइनस का 2y इक्वल टू में 140। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 11x इक्वल टू में माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 440। माइनस माइनस काट देंगे ये जगह डिवाइड में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्या है आपके पास, फर्स्ट x माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 300, यहाँ x की जगह 40 रख देंगे, माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 300, ये जाएगा उधर माइनस का, तो माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 340। माइनस माइनस हट जाएगा, ये 2 जाएगा डिवाइड में, y का वैल्यू 170 हो जाएगा, 170। तो अब x y का वैल्यू आ गया, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, हैंस हैंस द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फ्रेंड कैपिटल कैपिटल इज 40 रुपीज, एंड द अमाउंट अमाउंट द अमाउंट ऑफ सेकेंड फ्रेंड कैपिटल कैपिटल इज 170 रुपीज। ठीक है, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।